हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हमारे जो क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर है ब्रिक बीड्स एंड बोन्स। उसमें एक टॉपिक दिया गया है एक बॉक्स में क्लोज करके जिसका नाम है साइट्स माउंट्स एंड लेयर्स। तो जो अगला टॉपिक है डिस्कवरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन, उसे पढ़ने के लिए ये टॉपिक पढ़ना पहले जरूरी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग समझ लेते हैं, साइट्स माउंट्स एंड लेयर्स। तो इसमें जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा, और फिर जो माउंट्स होते हैं उन साइट्स पे वो, और उन साइट्स पे जो सोइल होती है उसकी लेयर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बताया गया है आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में। तो कहा गया है जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, जैसे कि हरप्पा की, जो हरप्पन सिविलाइजेशन की साइट हो गई हरप्पा, या फिर मोहनजोदारो, या फिर लोथल जो कि गुजरात में है, चानहुदारो जो कि पाकिस्तान में है। तो ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, अभी इन्हें आर्कियोलॉजिकल साइट्स कैसे बनाया गया, मतलब ये क्यों है आर्कियोलॉजिकल साइट्स, बाकी नॉर्मल प्लेसेस आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्यों नहीं है। तो उसमें बताया गया जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, कोई भी साइट अगर साइट बनती है तो वो इसलिए बनती है क्योंकि हिस्ट्री में मतलब जो पुराना पास्ट है हमारा, उसमें इस प्लेस का कोई ना कोई यूज हुआ होगा, या तो उस प्लेस पे प्रोडक्शन हुआ होगा, या तो उस प्लेस पे यूज हुआ होगा, या फिर यूज करके किसी चीज को डिस्कार्ड कर दिया होगा या फिर फेंक दिया होगा, मतलब ठीक है, डिस्कार्डिंग ऑफ मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चर्स। ऐसा कहा गया है कि अगर किसी भी साइट पे प्रोडक्शन हुआ हो मटेरियल्स या फिर स्ट्रक्चर्स का, यूज हुआ हो मटेरियल्स या फिर स्ट्रक्चर का, डिस्कार्डिंग की गई हो मटेरियल्स या फिर स्ट्रक्चर। डिस्कार्डिंग क्या होता है, किसी भी चीज को यूज करके फेंक देना कि भाई अब तो मेरे किसी काम के नहीं। तो ये सब करना, अगर ये सब चीज अगर किसी जगह पे हुई है लार्ज स्केल पे, तो वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट के अंडर आ जाती है, ठीक है। जैसे कि मोहनजोदारो की साइट मान लो, यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ था बहुत सारी चीजों का, जैसे कि सील्स भी बनती थी मोहनजोदारो में, तो सील्स का प्रोडक्शन हुआ, फिर उन सील्स का यूज भी हुआ, फिर लोगों ने जब सील्स को यूज कर लिया उन्हें डिस्कार्ड कर दी कि ये तुम्हारी किसी काम की नहीं। तो तीनों चीजें यहाँ पे हुई हैं, इसीलिए मोहनजोदारो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और हिस्ट्री में होती है सब, ठीक है। तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल साइट्स का कंसेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद दूसरा समझते हैं माउंट्स। माउंट्स क्या होता है, माउंट्स बताया गया, अगर किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट पे अगर लोग पुराने टाइम में हिस्ट्री में लॉन्ग टाइम के लिए रहे होंगे, यानी कि ये एक जगह है यहाँ पे लोग वही रह रहे हैं, तो इन्होंने भाई अपना घर बना लिया, फिर साथ में इन्होंने अपने छोटे मोटे सामान भी है, मतलब इनके छोटे मोटे सामान है यहाँ पे, तो अब ये मर गए लेकिन इनका सामान तो इधर ही रह गया। फिर भाई अगली इनकी जनरेशन आई, वो भी आई, उन्होंने भी अपना घर बनाया, उन्होंने भी अपना सामान छोड़े, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सामान छोड़ देते हैं, फिर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। तो मिट्टी के नीचे ऐसे दबेगा तो एक माउंड बन जाएगा, माउंड यानी कि टीला, पत्थर या फिर मिट्टी का जो टीला बन जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किन के ऊपर, सामानों के ऊपर, आर्कियोलॉजिकल साइट्स में उसे कहते हैं माउंड, ठीक है। माउंट अगर किसी जगह पे, उसमें पता चलता है कि भाई इधर लोग रहे होंगे और उनके सामान के ऊपर मिट्टी इकट्ठा हो गई जिसकी वजह से एक माउंट बन गया, ठीक है। और बताया गया है कि अगर कोई भी ये आदमी वगैरह जितने भी हैं ये अगर इस जगह को छोड़ के चले गए तो एक तो माउंट बन सकता है, या फिर अगर माउंट नहीं बना तो क्या हो जाएगा, इरोजन हो सकता है। मान लो ये माउंट है, बन गया भाई माउंट इनकी सामानों के ऊपर, ये घर था इनका, इसके ऊपर इनका माउंट बन गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, विंड आई, हवा आई और मिट्टी को लेके चली गई, उसके बाद बाढ़ वगैरह आई वो भी मिट्टी को लेके चली गई, इससे क्या हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिट्टी थोड़ी कम हो गई और घर जो थे वो थोड़े बहुत जमीन से बाहर आ गए, जो दो घर थे ये पूरे तो जमीन से बाहर नहीं, लेकिन मिट्टी का इरोजन होने की वजह से थोड़े बहुत जमीन से बाहर आ गए। तो इसको कहते हैं जब कोई भी बंदा परमानेंट
अबेंडनमेंट कर देता है उस जगह को, परमानेंटली छोड़ के चले जाता है, तो उस जगह का इरोजन होने लग जाता है किन चीजों से, विंड से भाई, विंड हवा को ले जाएगी या फिर वाटर से, तो इससे परमानेंट अबेंडनमेंट का पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें कैसे पता चलता है कि भाई ये कोई जमीन है, इधर यहाँ पे पहले एक टाइम पीरियड पे लोग रहते थे, ऐसा हमें कैसे पता चलेगा? लोग रहते थे यानी कि ऑक्यूपेशन, हिस्ट्री में ऑक्यूपेशन को कहा जाता है कि मतलब लोगों का एक जगह पे रहना, एक जगह पे अगर लोग रह रहे हैं यानी कि लोग उधर ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, उधर रह रहे हैं। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है कि भाई इस जगह पे किसी भी इंसान ने ऑक्यूपाई कर रखा है लैंड को और वहां पे रहने लग रहे हैं? तो वो पता चलता था कि भाई जमीन की जो लेयर्स हैं, ये हमारी मिट्टी है, ये सोइल है, इसकी लेयर है, ये है हमारी मान लो अपर लेयर, ये सोइल के अपर लेयर है, मिडल लेयर है और ये लोअर लेयर है, इसके नीचे पत्थर आ जाते हैं, पत्थर ही पत्थर है। ठीक है, तो ये जो सोइल की जो अपर मिडल लोअर लेयर है, इनमें अगर हमें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जैसे कि कोई पेन मिल गया इधर या फिर कोई रेजर मिल गया, ऐसे ही अंदाजा बता रहा हूँ, तो अगर ये सब मिल गया तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इधर पहले लोग ऑक्यूपेशन करते थे, इधर रहते थे। ठीक है, तो अगर हमें ऑक्यूपेशन का पता लगाना है तो हमें एंशियंट मटेरियल्स यानी कि पेन और रेजर तो उस टाइम पीरियड में आई नहीं होंगी, उस टाइम पीरियड में आई होंगी बीड्स, सील्स, तो ये सब जो एंशियंट मटेरियल्स थे इनकी खोज करते हैं हम मिट्टी में, और अगर हमें एंशियंट मटेरियल्स मिट्टी में मिल जाते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि उस जगह पे ऑक्यूपेशन किया होगा लोगों ने। ठीक है, और ये एंशियंट मटेरियल्स हमेशा सेम नहीं होते, हर जगह पे डिफरेंट कलर के मिलते हैं भाई, सील्स कहीं पे सेम हो सकती हैं, बीड्स कहीं पे सेम कलर की हो जाएंगी, कहीं पे डिफरेंट टेक्सचर की मिलेंगी। उसके बाद बताया गया कि अगर ये हमारी सोइल की लेयर्स हैं, ये मान लो भाई चार पांच लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है, तब देखी जाए तो सबसे पहले फोर्थ लेयर आई होगी, ये ओल्डेस्ट लेयर मानी जाएगी, उसके बाद ये थोड़ी यंग लेयर मिलेगी, ये थोड़ी यंगर हो जाएगी, इससे थोड़ी बाद में आई होगी, और ये यंगेस्ट सोइल लेयर यानी कि सबसे लेटेस्ट जो सोइल है वो ये है। ठीक है, एक के बाद एक डिपॉजिट होती चलेगी और द पीरियड ऑफ टाइम चार लेयर बनती है एक जमीन पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मिल गए आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, चलो इसमें आर्टिफैक्ट्स, तो हमें यहाँ पे डॉट डॉट बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिल गए, यहाँ पे भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिल गए, फर्स्ट लेयर में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिल गए, लेकिन सेकंड लेयर पूरी खाली है, एम्प्टी, और इसमें एक भी आर्टिफैक्ट नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई एक टाइम पीरियड पे लोग इधर रहते थे तो उन्होंने अपने सामान छोड़े, इस टाइम पीरियड के आसपास भी लोग रहते थे उन्होंने अपने सामान छोड़े, फिर लोग एकदम यहाँ से गायब हो गए, लोगों ने साइट को अबेंडन कर दिया, लोगों ने साइट को अबेंडन कर दिया, वो गायब हो गए, तो उनके आर्टिफैक्ट्स भी नहीं मिले, उनके आर्टिफैक्ट्स भी नहीं मिले, इसी वजह से एम्प्टी हो गई। उसके बाद लोगों को भाई लगा कि यहाँ पे ये जमीन अच्छी थी, हमने तो ऐसी छोड़ दी, वो कुछ टाइम पीरियड के बाद भाई 50-60 सालों के बाद वो वापस आके रहने लग गए इधर, तो वापस आके रहने लग गए तो अपने आर्टिफैक्ट साथ लेके आए, तो आर्टिफैक्ट्स वापस से छोड़ दिए। तो ऐसे हिस्टोरियंस पता लगाते हैं कि किसी सोइल पे किस टाइम पीरियड के बीच में लोग रहते थे, किस टाइम पीरियड के बीच में नहीं, जिस सोइल लेयर पे आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलेंगे यानी कि उस टाइम पीरियड पे लोग यहाँ पे नहीं रहते थे। तो हर सोइल लेयर का टाइम पीरियड होता है, जैसे कि ऐसा कह देंगे कि सेकंड लेयर का टाइम पीरियड है 100 BCE से लेके 50 BCE, इसका कह देंगे कि ये 50 BCE से लेके 25 BCE का है, इसका कह देंगे कि भाई ये 1000 BCE से लेके 700 का है और ये 700 से लेके 100 का है। तो ऐसे टाइम पीरियड बता देते थे कि भाई इस टाइम पीरियड की सोइल है इतनी, इसके बाद इतनी इसकी है, इतनी इसकी है, तो हमने देख लिया कि भाई 100 से 50 BCE के आसपास की सोइल पे कोई आर्टिफैक्ट नहीं, यानी कि इस टाइम पीरियड के आसपास पे ये सोइल डिपेंडेंट कर दी गई थी और कोई इधर नहीं रहता, तो ऐसे पता लगाए जाते हैं। और जो सोइल खाली होती है उसे कहा जाता है स्टीराइल लेयर,
मतलब जो लेयर खाली होती है, ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, तो इसमें सेकंड लेयर को स्टीराइल लेयर कहा जाएगा क्योंकि इसमें एक भी आर्टिफैक्ट नहीं है, ठीक है। और इस लेयर की स्टडी को कि ये सबसे यंगेस्ट है, ये ओल्डेस्ट है, इसमें आर्टिफैक्ट्स हैं, इसमें नहीं है, इसका टाइम पीरियड ये है, इसकी स्टडी को कहा जाता है स्ट्रेटिग्राफी, STRATIGRAPHY, स्ट्रेटिग्राफी। इसकी स्टडी को कहा जाता है स्टडी ऑफ लेयर्स को स्ट्रेटिग्राफी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ लिया कि साइट्स क्या होती हैं। साइट्स वो होती हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हुआ हो, उसे यूज़ किया गया हो और उसे डिसरिकार्ड कर दिया हो कि हमारे किसी काम की नहीं, तो उस जगह को साइट कहा जाता है, आर्कियोलॉजिकल साइट। माउंड क्या होते हैं, किसी भी जगह पर अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं तो वहाँ पे जितना भी डेबरीज छोड़ के जाते हैं इंसान अपना काम का, जैसे कि घर वगैरह होगी, इनके ऊपर मिट्टी दब जाती है और फिर माउंट्स यानी कि टीले बन जाते हैं मिट्टी के। फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया लेयर्स, सोइल में लेयर होती है एक, सबसे ऊपर वाली यंगेस्ट होती है, सबसे नीचे वाली ओल्डेस्ट होती है, जो खाली होती है स्टीराइल लेयर कहते हैं, और आर्टिफैक्ट्स के हिसाब से डेटिंग की जाती है, ठीक है। तो ये सब इसमें पढ़ लिया हमने। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन देखेंगे, और इस वीडियो में जितने पढ़ा है उसके नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।